माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो हमने सीखा ही था कि बाई एनी रो और बाई एनी कॉलम वी कैन सॉल्व इट, बट थोड़ा सा माइनर और कोफैक्टर में आते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 1 -3 2 4 -1 and 2 3 5 and 2। We want to find out the minor. किस एलिमेंट का? देखिए, तो we want to find out the minor of this element. Its position is 3 2. तो आपको बताया गया था कि जब आप minor find out करेंगे m 3 2, तो simple thing is that कि जिस भी कॉलम में ये present है एंड जिस भी रो में ये प्रेजेंट है उसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई दर में नहीं, 1 × 2 इट बिकम्स 2 माइनस 4 × 2 इट बिकम्स 8। तो 2 - 8 इज -6। ये क्या हो गया बच्चे? माइनर हो गया। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द कोफैक्टर, तो जैसा आपको बताया गया था कि एवरी पोजीशन हैज अ पोजीशन साइन, होता था ना पोजीशन साइन। नाउ द पोजीशन साइन ऑफ दिस 5 इज नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव लगेगा, देन सेम प्रोसेस 2 - 8, तो इट बिकम्स 6। This is the difference between minor and cofactor. और लास्ट में हमने चलते चलते वैल्यू की थी कि एवरी डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड आउट विद अ सिंपल प्रोसेस, ठीक, कि ये हमारे पास क्या रखेंगे वैल्यू। अब आइए थोड़ा सा और चलते हैं हम, नाउ कंपेरिजन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। सपोज दैट वी हैव वन डिटर्मिनेंट 3x, देन 7, then minus 2 and then 4 is equal to 8, 7, 6 and 4. Determinant, when we are comparing the determinant, to keep this thing in mind, determinant mein kabhi bhi element to element compare nahi hota bache. Determinant ki, kyunki determinant is a single value unit, to yahan pe kya hoga? Determinant value कैन बी कंपेयर्ड विद डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही क्या होगी? कंपेयर होगी, अदरवाइज नॉट। तो याद रखिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही क्या होगी? कंपेयर होगी। ओके, कैसे? देखिए, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज दिस, इट बिकम्स 12x प्लस 14 32 - 42, हेयर इट बिकम्स 12x प्लस 40 एंड हेयर इट बिकम्स 12x इज इक्वल टू -24 एंड x इज इक्वल टू This is the way we can compare two determinants. जब भी आपके पास कोई वैल्यू आएगी बच्चे, इसी डिटर्मिनेंट इसी वे से क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? इनको ख्याल में रखिएगा, ये बड़े अच्छे और बहुत ही इजी टाइप के क्या है, क्वेश्चंस है। अभी जैसे मैं आपके पास आ रहा हूं डिटर्मिनेंट में और क्वेश्चंस को लेके, जैसे इफ समबडी आस्क यू डिटर्मिनेंट में, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अच्छा, आप सभी ओपन हैं, कैन यू टेल मी
by which row or which column we will open this determinant. Yes, everyone. Yes, yes, abhi screen chalti hai. Wait, wait, wait. थोड़ा सा नेट डिस्टर्बड है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन बार बार जस्ट वेट स्टूडेंट्स Now tell me, are you getting my screen? Yes, sir. Yes, sir. Sir, first row pe long karenge. First row se karenge. Very good. First row se. Achha, tell me, why we are choosing first row? Maximum number of zeros. Maximum number of zeros. Very good. So the way we can choose it, maximum number of zeros. So humara ye solve karne ka way out yehi ho. Okay? So we can write it as, when we choose it, Two, okay, this one, 63 minus 18, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, you will get the answers, कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट बचे, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे बता रहा हूँ तो उसके बारे में आप चेक कीजिएगा कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट तो वी कैन राइट इट एज डिटरमिनेंट के बारे में बिकॉज हम डिटरमिनेंट कर रहे हैं बच्चे और बड़े सिंपल से तरीके से करें इफ समबडी आस्क यू इफ ए इज इक्वल टू 2358 ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a डिटर्मिनेंट में ओके तो याद रखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहा हूं ए तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 नाउ मल्टीप्लाई दिस ए विद 2 तो यू विल गेट 4 6 10 एंड 16 नाउ फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट व्हाट वी विल गेट फोर दिस टेन एंड सिक्सटी हाँ जी अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 64 माइनस 60 इट बिकम्स 4 तो बच्चे याद रखना डिटर्मिनेंट में वैल्यूज कैसे एक्सिबिट करती हैं इफ Determinant of A is equal to 3. Suppose that. So determinant of 2A depends upon the order of the determinant. अब देखिए, अगर order determinant का क्या है? 2 by 2 है. तो we can simply write 2 square determinant of A. अगर determinant का order क्या है? 3 है. तो we can simply write it as 2 cube into determinant of A. तो आपको ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है सिंपली इस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपके साथ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं सपोज दैट ही सेड कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है ए इट्स वैल्यू इज बी एंड ये डिटरमिनेंट 3/3 का है किसका है 3/3 का नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a हां जी एनीबॉडी पता चला बच्चे कैसे 27b वी कैन सिंपली राइट इट एज 3 क्यूब इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 27b और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी जिनको हम किस तरह से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ओके हाँ एक चीज और थी बच्चे बहुत सारी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज थी बट वो एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा
आप भी याद रखिए कि सपोज दैट एक आपके पास मैट्रिक्स है विच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, एंड व्हेन यू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स तो ऑलवेज क्या होता है, जीरो, जीरो, ओके, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, आपने मेरे से पूछा था सिंगुलर, तो अब बता रहा हूं व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज दैट यू हैव एनी मैट्रिक्स ए, ओके, आप उस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं एंड इट बिकम्स जीरो, तो देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, ओके, और अगर उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो देन वी कॉल इट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मोस्ट ऑफ आवर आर्टिकल्स और मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस विल होल्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल किस पे एप्लीकेबल है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे क्या है, एप्लीकेबल है। समझ गए बच्चों? यस, एवरी स्केयर्स, ठीक। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बीच में बच्चे एक एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बट हम अभी कर रहे हैं एप्लीकेशन। क्या कर रहे हैं बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। आज दो टॉपिक करवाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, सॉरी माइनर एंड कोफैक्ट। एक बड़ी सिंपल सी चीज आपके साथ बताने जा रहा हूं कि सपोज दैट आपने 10th क्लास में ये टॉपिक शुरू किया था, वी हैव अ मैट्रिक्स ट्रायंगल ए whose vertices are x1 and y1, x2 and y2, and x3 and y3. किया था ना बच्चे? Now with the help of determinant we can find the area of this triangle. And how we can find out? Half. हाँ जी. Next. x1 y1 1, x2 y2 1. And next, x3, y3, and 1. This is the formula for area of the triangle. Ek cheez aur dekhiyega bache, when these points are collinear, collinear means when they are lying on a line. Jab wo ek hi straight line pe kya karenge? Lie karenge. Fir se dekh lijiye, when they are lying on a straight line. To hum kya kahenge bache inko? We will say collinear. कि ये पॉइंट्स क्या हैं? Collinear है। अब सिंपल से फॉर्मेट के साथ आ रहा हूं आपके पास। सपोज दैट यू हैव अ ट्रायंगल 1 4, 2 -3 एंड -5 एंड -3 एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस। बच्चे टू डिमेंशंस में जेड का पार्ट नहीं दिया होता, ठीक है? मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर जेड दिया होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो इसमें ये वाला पार्ट ठीक है, कैसे करना? तो अब आप सिंपली से ऐसे जाइएगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया। मैं सिंपल सा एरिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए हम इसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अगर नेगेटिव आ भी गई तो भी हम एंड में क्या फाइंड आउट करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओके? अगर एंड में नेगेटिव आ भी गई, वैसे अब चेक कीजिए, हाउ आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, हाफ, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, 1 4 1, 2 -3 1, -5 -3 एंड 1। हाँ जी बच्चे, याद है कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बाद? एनीबॉडी? डिटरमिनेंट निकाल देंगे। बिल्कुल, डिटरमिनेंट
और आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। चलिए जल्दी से कीजिए एंड टेल मी द आंसर। हम प्रेफर करते हैं बच्चे कि हम इसको फर्स्ट रो के साथ ही एक्सपेंड कर लें, ठीक। जिनको एक्सपेंशन करनी आती है दैट्स गुड, जिनको नहीं आती वो मेरे साथ देख सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इज वन, आई कैन राइट इट एज माइनस थ्री प्लस थ्री, तो ये तो हो गया बच्चे जीरो। सेकेंड एलिमेंट इज फोर एंड इट्स पोजिशन साइन इज नेगेटिव, वी कैन राइट इट एज, देखिए अब क्या होगा, 49/ वेरी गुड। अब मैं यहां से जा रहा हूं बच्चे सेकेंड फॉर्मेट के लिए, बस ये बाकी सबको बता रहा हूं। ये हो जाएगा बच्चे 2 × 1 = 2 माइनस 5 × that + 5, देन प्लस वन, प्लस वन में क्या आ जाएगा बच्चे, ये छोड़ दिया जाएगा माइनस 6 + 15, तो माइनस 6 + 15 नहीं, माइनस 6 - 15 तो माइनस 21। हाँ एक चीज नोट कीजिएगा जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं, 28 - 21, तो बच्चे आ तो आपके पास ये नेगेटिव रहा है बट नेगेटिव एरिया होता नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 49/2, बिकॉज एरिया किसमें, एक्चुअली ये सारा कुछ किसमें होता है, मैग्नीट्यूड, और वाई मैग्नीट्यूड, बिकॉज एरिया कभी भी क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। गॉट इट, तो इसीलिए हम इसको यहां पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या मैं ऐसा कह लूं कि मैं इसको इस तरह से क्या कर लेता हूं, डिफाइन कर लेता हूं। गॉट इट, अभी ये तो अभी थोड़ा सा अपने पास हो रहा है बच्चे। अब मैं इसको अब थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है एंड इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि इस बार आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सिलेबस में से इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। अब जैसे वो देखिए, ही सेड इफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, कितना है बच्चे 35 स्क्वायर यूनिट्स, What is the value of x? तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मेरे ख्याल में मेरे को कुछ बताने की जरूरत तो नहीं होगी, यू कैन फाइंड इट। देखिए वी कैन राइट इट एज हाफ x 4 - 6 = 1, 5 - 4 = 1, जस्ट एक्सपेंड इट। अच्छा इसमें हम प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है बच्चे, राइट इट इक्वल टू 35, टेक दिस 1/2 टू दिस साइड इट बिकम्स 70, और इसको एक्सपेंड कर दीजिए जैसे हम करते हैं, फर्स्ट क्या आ जाएगा x -10 -4 then 1 + 8 + 30, solve it and you will get the values of x, it may be one value or it may be two values। Acha ek cheez aur dekhiyega bachche, because ye sara kuch kisme hota hai, मैग्नीट्यूड में, था प्लीज इसको देख लीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड में लिखते हैं हम, ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करते हैं इसको मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, सी दैट ध्यान से देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज -10x + 12 + 38,
is equal to 70. Minus 10x plus 50 is equal to 70. अब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा बच्चे, जब डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है तो इट कैन बी रिटन एज माइनस टेन एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 70 और माइनस टेन एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू पॉजिटिव 70. ठीक, याद रखिएगा ये मिस्टेक नहीं करनी आपने सिंगल वैल्यू के साथ. तो हेयर वी गॉट x इज इक्वल टू 12 एंड हेयर वी गॉट x इज इक्वल टू माइनस 2. तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, तो इसमें x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी. आप देख रहे हैं कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, टू वैल्यूज आर देयर. यस श्रीपद. एक्सक्यूज मी सर. यस. आपने जो फर्स्ट स्टेप लिखा है उसमें x इनटू माइनस 10 होगा. हाँ हाँ, x इनटू माइनस 10 नहीं लिखा है मैंने, ये देखो सर वो माइनस 10 कैसे हुआ. अच्छा वो बता रहा हूँ. देखिए पहले आप इस x के साथ एक्सपेंड करेंगे ना, तो दिस एंड दिस माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, तो इट बिकम्स माइनस 10x. गॉट इट. यस सर. सर वो माइनस छूट गया था. हाँ तो नेक्स्ट हम उसको इस तरह से करें. बच्चे एक चीज सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैग्नीट्यूड को जब आप हटाएंगे तो वैल्यूज कैन बी रिटन इन टू वेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अच्छा इसका एक और भी तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो आपको ये भी कह सकता था बच्चे, प्लीज इसको नोट कीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं. वो ये भी कह सकता था कि इफ 3 2 x 2, अब आप सब मेरे को बताएंगे 8 8 आर कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ व्हाट यू कैन डू सर, एरिया इक्वल 0 रख देंगे. बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप क्या रख दोगे, एरिया इज इक्वल टू 0. ठीक, एरिया इज इक्वल टू किसके रख दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस वन. चेक कीजिए, सिंपल सी बात, इफ दे आर कोलिनियर तो यू विल राइट इट एज 3 2 1 x 2 1 8 8 1 इज इक्वल टू 0. गॉट माई पॉइंट. तो इसको इस तरह से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है. ओके okay? अच्छा एक चीज और आपसे पूछनी है सबसे, इफ समबडी आस्क यू कि प्रूव दैट, वैसे ऐसे क्वेश्चन प्रूव प्रॉब वाले अब आएंगे तो नहीं, बट फिर भी इफ दीज पॉइंट प्रूव दैट दीज पॉइंट डज नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप कैसे प्रूव करेंगे बच्चे इसको. सर इसका एरिया निकाल लेंगे एंड इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा ये. हाँ सिंपल सी बात, जस्ट फाइंड आउट द एरिया, और ये एरिया किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. और अगर ये नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया. अगर 0 हो जाता है देन दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर. हाँ अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर. बट हमें क्या लिख के आना बच्चे इनको, नॉन कोलिनियर. ओके तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर था. ठीक, अब आपको बहुत अच्छी इसमें चीज करवाने जा रहा हूं बच्चे, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट. इसको फोकस रखिएगा क्योंकि जो इसका लास्ट टॉपिक है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, एडजॉइंट एंड इनवर्स. और एंड में आपके लिए एक अनाउंसमेंट होगी. ठीक, एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड आउट एडजॉइंट एंड इनवर्स, हाउ वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस वन क्वेश्चन.
तो एक सिंपल से फीचर के साथ आपके साथ आ रहा हूं, व्हाट इज एडजॉइंट एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस वन। आपने क्वेश्चन में ऐसे जाना बच्चे, सपोज दैट यू हैव एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है आपके पास, ठीक। नाउ व्हाट यू विल फाइंड, यू विल फाइंड द मैट्रिक्स कोफैक्टर ऑफ ए। व्हाट डू वी मीन बाय कोफैक्टर ऑफ ए, सपोज कीजिए आपकी जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स हैं, तो आप ईच इंडिविजुअल एलिमेंट यानी ए, इंस्टेड ऑफ ए इस पे इसका कोफैक्टर लिखिए, इंस्टेड ऑफ बी इसका कोफैक्टर लिखिए, इंस्टेड ऑफ सी उसका कोफैक्टर लिखिए, इंस्टेड ऑफ डी उसका कोफैक्टर लिखिए। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ ए, ठीक। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आप कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज, तो इट बिकम्स योर एडजॉइंट ए। प्लीज बताइएगा क्या पता लगा आपको। Yes, sir. जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे वो ये देखिएगा, किसी किसी बुक में ना एडजॉइंट को एडजुगेट भी लिखा जाता है, तो घबराना नहीं है। एडजॉइंट ए एंड एडजुगेट आर टू नेम्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। अगर कोई कल को आपको कह दे ठीक कि आप क्या कीजिए एडजुगेट फाइंड आउट कीजिए, तो इसमें घबराना नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजुगेट, ठीक है। तो वो सिंपल सा अपने पास क्या होगा, एडजॉइंट ही होगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सपोज कीजिए ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, छोटी मैट्रिक्स ले रहा हूं बच्चे, 3 4 1 2। नाउ आई विल फाइंड द कोफैक्टर ऑफ सी वन बार, सबको पता है बच्चे क्या आ जाएगा, 2। सी वन टू सबको पता है ना क्या आएगा, -1। सी टू वन -4 एंड सी टू टू 3। गॉट इट। तो यस सर, नाउ वी कैन राइट कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 -1 3 -4 -3। वेरी गुड। नाउ वी कैन राइट एडजॉइंट ए। नाउ हाउ वी कैन राइट ट्रांसपोज ऑफ, तो इट बिकम्स 2 -1 -4 -1 3 3। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ए। एक चीज और नोट कीजिएगा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सुन लीजिए मेरी बात, एडजॉइंट ए इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ए हम जस्ट किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी का। अब दूसरी बात आ जाती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एडजॉइंट। बड़ी सिंपल सी बात आपके साथ कर रहा हूं, इसको नोट करिएगा, ये एज ए फार्मूला यूटिलाइज होता है। देखिए ए इनटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लीकेशन है, और एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू आई एन। मैग्नीट्यूड नहीं है बच्चे, ये मॉडुलस ऑफ क्या है, ए है, क्या है, मॉडुलस ऑफ ए, ठीक। तो इसको हम कर भी सकते हैं, बट इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप ये रूल याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर मैं इसमें से कुछ क्या करूंगा, क्वेश्चंस बनाऊंगा। और जो मैं आपको सबसे अच्छी चीज आज की डेट में बताने जा रहा हूं वो नोट कर लीजिएगा, ठीक। वो अभी मैं क्या बता रहा था, सपोज कीजिए दिस इज द मैट्रिक्स 1 -2 4 0 2 1 -4 5 and 3। अच्छा
नाउ वी वांट टू फाइंड आउट, आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा बच्चे, आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। किस किस को पता है बच्चे शॉर्टकट कोफैक्टर ऑफ ए का? किसी ने बताया? No, sir. लीजिए, अच्छा एक आप सबको यही तो पता है ना कि वी कैन फाइंड आउट द को फैक्टर बाई कैसे, वन वन कर सकते हैं ना? यस सर। कि सिंगल सिंगल एलिमेंट का क्या कीजिए, को फैक्टर कीजिए, ठीक। चेक इट, नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द को फैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स बाई शॉर्टकट। नाउ वट इज द शॉर्टकट, राइट द मैट्रिक्स वन माइनस टू फोर जीरो टू वन माइनस फोर फाइव थ्री, अगेन वन माइनस टू एंड फोर जीरो टू एंड वन माइनस फोर फाइव एंड थ्री। दिस इज द सेकेंड टाइम, नाउ रिपीट इट थर्ड टाइम, वन माइनस टू फोर जीरो टू वन माइनस फोर फाइव एंड थ्री, अगेन वन माइनस टू एंड फोर जीरो टू एंड वन माइनस फोर फाइव एंड थ्री। रिपीट द मैट्रिक्स फोर टाइम्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर्स को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नाउ योर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज रेडी। कैसे रेडी होगी बच्चे, देखिए टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस फाइव वन, वन माइनस फोर माइनस फोर माइनस जीरो, जीरो इंटू फाइव जीरो, माइनस माइनस फोर इंटू टू एट, देन फाइव इंटू फोर ट्वेंटी प्लस सिक्स, इट बिकम्स ट्वेंटी सिक्स, थ्री इंटू वन थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस एट माइनस फाइव थ्री, माइनस टू माइनस एट माइनस टेन, फोर इंटू जीरो फोर, देखिए फोर इंटू जीरो जीरो, बीच में माइनस का साइन, वन इंटू वन वन, इट बिकम्स माइनस वन, वन इंटू टू टू माइनस जीरो। दिस इज कॉल्ड योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक चीज और देखिएगा जो हम यहां पे करने जा रहे हैं, ठीक है, या जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना कि कुछ भी आपके पास इसमें क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, मेरे से एक पॉइंट मिस्टेक हुआ है, बताएंगे कौन सा? सर वो जो आपने जो थ्री लिखा है वो थर्टीन होगा, वो माइनस फोर। ये देखिए, ये था ना माइनस फोर इंटू टू माइनस एट ना, सॉरी प्लस एट माइनस वन इंटू फाइव, क्या हो गया फाइव। नहीं बच्चे, ये मैंने बिल्कुल सही बनाया है, और आप सिंगल सिंगल का डिटरमिनेंट का करके देखिएगा, कोफैक्टर यही बनेगा। लेसन में कोफैक्टर यही बनेंगे। दिस इज द शॉर्टकट टू फाइंड द कोफैक्टर, अदरवाइज हम दूसरा मेथड तो कर ही रहे हैं जो हम कर रहे थे। गॉट इट? यस सर। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्या होना होता है, ट्रांसपोज। हाँ, एडजॉइंट ट्रांसपोज, वन माइनस फोर एंड एट
26, 19 एंड p, माइनस 10, माइनस 1 एंड 2. किस किस बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे को फैक्टर वाले में? एनीबडी? ये शॉर्टकट है, सिंगल सिंगल तो हम करते ही रहेंगे जैसे भी हमारे पास आएगा. ओके, इसको हम कौन सी वैल्यू के साथ डिनोट करते हैं बच्चे? एडजॉइंट ए के साथ. किसके साथ डिफाइन करता हूं मैं इसको? एडजॉइंट ए. और अभी आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा, उस क्वेश्चन में हम कैसे जा रहे हैं. देखिए, सपोज कीजिए अभी अभी हमारा क्वेश्चन चला था कि इफ ए इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए? टेल मी, कोई बता सकता है अभी क्या वैल्यू होगी इसकी? यू ऑल आर ओपन राइट नाउ. सर 10 आई. सर 10. हाँ देखिए कैसे होगा. पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए. व्हाट इट विल कम? 4 × 3, 12 माइनस 1 × 2, 2. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो गया बच्चे? 10 हो गया. ओके, नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए आपको बताया गया था किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा? 10 इंटू आई. और 10 आई क्या होता है बच्चे? 1001. तो अगर मैं इसको प्रॉपर करूंगा तो इट बिकम्स 10, 1, 1 एंड 10. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. सर उधर 10, 0 और 0, 10 नहीं आएगा? ओ सॉरी सॉरी सर, थोड़ी सी मिस्टेक होगी. 10, 0 एंड 0, 10. गॉट इट? अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आप सबको. सपोज कीजिए यू हैव अ मैट्रिक्स ए 0, 0, 0, बी 0, 0, 0 एंड सी, एंड समबडी आस्क यू फाइंड द मैग्नीट्यूड. तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ए बी इंटू सी, ये इसका क्या हो जाता है? मॉडुलस हो या मॉडुलस बोल देते हैं हम इसको. ओके okay? अच्छा एक चीज, अब मैंने कुछ ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को ए प्लस बी प्लस सी कर दो, इसका नाम बताया था मैंने मैट्रिक्स. कैन एनीबॉडी टेल मी इसको क्या बोलते हैं? ट्रेस. वेरी गुड. इफ समबडी आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस तो ये किस तरह से फाइंड आउट होगी? ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. बच्चे इसी से आगे मूव कर रहा हूं, इसी टॉपिक से आगे मूव कर रहा हूं. किस पे? इनवर्स पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया बच्चे कि हम इनवर्स कब बोलते हैं. अच्छा एक चीज देखिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में रेसिप्रोकल भी बोल दे मैग्नीट्यूड में. 3 × 1/3 तो ये 1 होता ना, तो हम कहते हैं 1/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3. सिमिलरली इफ टू मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन व्हाट आई कैन से? आई कैन से ए इज द इनवर्स ऑफ बी और बी इज द इनवर्स ऑफ ए. ओके, यानी उसमें इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा. एंड दिस इज द वे वी कैन राइट इट कि ए इंटू, देखिए अभी मैंने क्या कहा कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी के. इफ आई कैन राइट कि ए बी इज इक्वल टू आई, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी के. तो इन द सेम सिचुएशन व्हाट आई कैन राइट? ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे? आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए. किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी. अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है,
कि अभी अभी आपने एक चीज फाइंड आउट की एडजॉइंट, तो एडजॉइंट उसकी नेक्स्ट स्टेज ही है इनवर्स। तो इनवर्स कैन बी फाउंड आउट लाइक दिस, एडजॉइंट ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है बच्चे, कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ एनी ए या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो फिर हम उसका इनवर्स क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। उसका इनवर्स क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स जस्ट उसका ही एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी बच्चे, नॉट इक्वल टू सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब बिल्कुल वेरी गुड। अब देखिए हम यहां पे आ गए थे, नोटिस कीजिएगा, हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट ये फाइंड आउट कर लिया। सपोज कीजिए मैं वैसे ले रहा हूं कि मान लीजिए इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड 10 होता, तो मैं नेक्स्ट स्टेज में बच्चे इसका इनवर्स भी लिख देता, तो आई विल राइट इट एज 1/10, 126 माइनस 10 माइनस 4 19 एंड माइनस 1 8, 3 and 2। पता चल गया कैसे? Yes, sir. ठीक। अब थोड़ी सी इनवर्स की प्रॉपर्टीज लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी तरह से आपके पास आती है, बहुत अच्छी तरह से। ठीक, एक प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स is always equal to B inverse into A inverse. इसका नाम है बच्चे reversal law. क्या बोलते हैं हम इसको? Reversal law. ठीक। दूसरी चीज, if A B is equal to A C, does not mean कि B is equal to क्या होगा, सी। वो डज नॉट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिनको हम इस तरह से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक, एक चीज और देख लीजिए कि इफ आपके पास ए का इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, यानी ए इनवर्स, तो डेफिनेटली उसके ट्रांसपोज का भी क्या इनवर्स होगा बच्चे, एग्जिस्ट होगा। ठीक, सपोज समझिए मेरी बात को, If any matrix is invertible, then उसका transpose भी क्या होगा? Invertible होगा। ठीक, तो ये हमारे पास इसमें कुछ क्या चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे जिसको हम यहां पे डिफाइन करें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ कर रहा हूं, इसको तो हम खैर प्रूव भी कर सकते हैं अगर प्रूव करना चाहे तो। प्रूव इज दिस, ये नोट कीजिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पावर एन, वेयर ए इज अ एन बाई एन मैट्रिक्स। क्या होगा बच्चे, वेयर ए इज अ एन बाई एन मैट्रिक्स। अच्छा बताता हूं कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे हुआ ध्यान से नोट करना। अभी अभी आपने एक फार्मूला किया था ना कि ए इंटू एडजॉइंट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू आई लिख सकता हूं ना, नोट कर रहे हो? अब आई है आपके पास एन इंटू एन मैट्रिक्स, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 0 0 0। बच्चे बीच में थोड़ा सा अपना मैग्नीट्यूड खत्म हो गया था। ओके, मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? यस सर। ये जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था पता चली,
या बीच में रह गई थी सर? बीच में सर, रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट स्क्रीन आने दीजिए, चेक इट। प्रॉपर्टी इज दिस, ए इंटू एडजॉइंट ए पावर एन। तो मैंने कैसे कहा, ए इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू होती है बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू आई एन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए को क्या करना है, मल्टीप्लाई। बच्चे एक मिनट होल्ड करना है। क्या हो रहा है नितिन? कुछ ना हो, हाँ जी बच्चे मेरी आवाज आ रही है सभी के पास? यस बच्चे, थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब कर रहा है आज, पता नहीं क्या बात होगी, तो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्या होगा, जीरो 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 मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड सो ऑन। और हमने अभी कहा था जब हम डायगोनल मैट्रिक्स को अप करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। गॉट इट?